कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज ये श्लोक उठाया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। हमें लगता है कि जो भगवद गीता का थोड़ा सा भी परिचय रखते होंगे और दूरदर्शन पे भी महाभारत इत्यादि सीरियल बनके, श्री कृष्ण सीरियल बनके इत्यादि जो बने हैं, वहाँ भी श्लोक बार बार उच्चारित होता रहा है। अधिकतर लोगों ने ये श्लोक सुना ही होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। संबोधन है भारत तो अर्जुन के लिए ही, भा मने ज्ञान, रत मने जो रत रहते हों, जो ज्ञान में रत हों, उनको भारत कह सकते हैं। भारत यदा यदा धर्मस्य ग्लानी ही, धर्मस्य ग्लानी ही, ही अधर्मस्य अभ्युत्थानम् च भवति तदा अहम् आत्मानम् सृजामि। अन्वय कर सकते हैं ऐसे। ऐसा कोई व्यक्ति तो कम ही होंगे जो इसके अर्थ को ना जानते होंगे। अर्थ इसका सामान्य रूप से हिंदी टीकाओं में, अनेकों पुस्तकों में बड़ा सामान्य और सरल ढंग से कहा जाता है कि भाई अर्जुन, भगवान कह रहे हैं एक तो भारत ज्ञान में जो रत हो, एक भरतवंशी हो, वो तो कई प्रकार से अर्थ घटेंगे। कहते हैं कि अर्जुन, जब धर्म की हानि होती है ना, जब जब यदा यदा रख लिया ना, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्मस्य षष्ठी है, और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब यदा यदा तो कदा कदा अध्यार कर लेंगे, तदा तदा कदा कदा तदा तदा, जब जब धर्म की हानि हो जाती है तो मैं अपने आप को प्रकट कर देता हूँ या मैं अवतार लेके आ जाता हूँ। माना ईश्वर कह रहे हैं ये बात कि अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अवतार लेके आता हूँ। शब्दों में बड़ा अलग अलग अर्थ छिपा होता है और ठीक से समझ लें तो शब्द वही अर्थ करते हैं जो भगवान कहना चाह रहे हैं, और यदि अपने ढंग से करें तो फिर गड़बड़ हो जाती है। एक तो धर्म को आप कोई ऐसा मत समझना कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये सब तो धर्म है भी नहीं, संप्रदाय है। ये धर्म शब्द बड़ा ही अनेकों जगह अनेकों अर्थ घटित करता रहता है, लेकिन यहाँ धर्म की क्या बात है वो देखना बहुत जरूरी है। अवतार जो है, ये अवतार शब्द को लेकर क्या हम इस पर विचार करें, अवतार कैसे होते हैं, अवतार क्या होते हैं, ये भी विचारणीय है। अब बौद्ध में तो ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं, ये तो बोलते हैं, उनके तो धर्म को कहते हैं धम्मा, धम्मा बोलते हैं धर्म। तो हमारे यहाँ जो समझो, हम जो कहेंगे ईश्वर प्राप्ति या हम कहेंगे ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म का, वो चीज़ वो वहाँ पर धर्म से या धम्मा के नाम से संबोधित कर देते हैं। तो उनके लिए धर्म का अर्थ जो है वो सत्य है। सामान्य रूप से बता रहे हैं, बाकी शास्त्रार्थ ढंग से तो फिर
बात में से बात अन्य निकलती चली जाएगी। और कई लोग सामान्य जो है ये जो संप्रदाय हिंदू मुस्लिम ये हैं इनको भी धर्म कह देते हैं, लेकिन ये भी धर्म नहीं है। यहाँ गीता में उस धर्म की बात नहीं हुई है, उसकी हानि हो गई तो बोले फिर तो आप कहोगे कि हिंदू कम हो गए मुस्लिम बढ़ गए, मुस्लिम कम हो गए हिंदू बढ़ गए, तब भगवान अवतार लेते हैं, धर्म की हानि हो रही है। अर्थात हमारे धर्म की हानि हो रही है, स्वस्य धर्म हमारे धर्म की हानि हो रही है, तो अब तो अवतार लेना चाहिए, आप ऐसा फिर अर्थ कर लेंगे। एक धर्म शब्द का अर्थ ये होता है कि भ्राता होने के नाते आपके अंदर भ्रातृत्व, कर्ता होने के नाते कर्तृत्व, पिता होने के नाते पितृत्व, माता होने के नाते मातृत्व, सारे रिकारांत बताए हमने ये, बोले ये धर्म आपके अंदर आ गया। अर्थात माता होने का धर्म है आपके अंदर, तो आप माता होने के जो धर्म होते हैं उसको निभाइए। भ्राता हैं आप भाई, तो उसके जो धर्म बन गए आपसे वह उनको निभाइए। वह भी धर्म का अर्थ लोक में प्रसिद्ध है, लेकिन गीता इनमें से किसी भी अर्थ को नहीं कर रही। भगवान यहाँ ऐसे किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहे, और इस चीज का जो निर्णय निकलता है वो निकलता है शांकर भाष्य से या टीकाओं से। हमारे लिए तो शांकर भाष्य ही प्रमाण है, या उस पर टीका आनंदगिरी टीका जो है वो प्रमाण है। तो एकदम उन्होंने स्पष्ट किया शांकर भाष्य में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी ही थात हानि ही। और धर्मस्य के लिए क्या बोले, बोले वर्णाश्रमादि लक्षणस्य प्राणिनाम अभ्युदयन ही श्रेय साधनस्य भवति भारत अभ्युत्थानम उद्भव अधर्मस्य तदा तदा, यदा यदा फिर तदा तदा अध्ययन कर लो। आत्मानम सृजामि अहम मायया, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये जो धर्म की बात हो रही है ना, ये वर्णाश्रम धर्म की बात हो रही है। तो जो जिस वर्ण में है और जो जिस आश्रम में है, चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण हो गए, सम्यक प्रकारेण जब पालन नहीं होता इन सब का तो भगवान का अवतार हो जाता है। अवतार क्या है, अवतरती नीचे उतरते होती अवतार। अब इसमें आप लोग अगर इसको वेदांत की दृष्टि से घटाओगे तो आप भी सब अवतार ही हो गए वैसे तो कैसे हो गए, अले आप अपनी ब्रह्म स्थिति को भूल बैठे हो तो नीचे उतर गए ना। अवतार मतलब क्या, जो ऊपर से नीचे की तरफ उतरे किसी विशेष प्रायोजन के लिए। दो तरह के अवतार हो गए ना, अवतार दो तरह के हो गए, नित्य हो गया नैमित्य हो गए। किसी निमित्त से अवतार हुआ कि चलो जी रावण का वध करना है और अन्य जो हैं उनको बल में भरना है और धर्म की फिर से स्थापना है। रामराज भी तो उस समय धर्म की स्थापना ही थी। या फिर कृष्ण के अवतार हुए कि राक्षस इत्यादि इतने राक्षसों का कल्याण करना है, कंस चाणूद मर्दनम, कंस इत्यादि का मर्दन करना है और धर्म की स्थापना करनी है, तो अवतार हो गया। तो ये नैमित्त अवतार कहेंगे, नैमित्त क्यों, निमित्त से वो अवतार हुए। दूसरे हो गए नित्य अवतार, आचार्यों के रूप में संतों के रूप में नित्य अवतार होते हैं। आप कुछ ऐसा समझो, नैमित्य अवतार आए
व्यवस्थित करके चले गए और फिर नित्य अवतार जो हैं आचार्य और गुरुजन फिर उस वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखते हैं। उन आचार्यों में भी फिर बड़े बड़े आचार्य होते हैं, फिर जिसका जितना बल सामर्थ होता है वैसे आचार्य होते हैं। जैसे शंकराचार्य जैसे आचार्य आए तो बस एकदम वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करके चली गई। अब कई लोग कहेंगे कि हम उनके तो ईश्वर कोटि में तो नहीं रखेंगे, ईश्वर का अवतार तो नहीं है, लेकिन आचार्य तो इतने बड़े हैं वो कि शंकरा शंकरो साक्षात आचार्य शंकर जो हैं वो शंकर भगवान के समान ही हैं। तो नित्य अवतार नैमित्य अवतार। अब भगवान के ये जो अवतार की बात हो रही है नित्य में ना लेके इसको नैमित्य अवतार में लेंगे और आचार्य इत्यादि तो नित्य होते ही हैं। अनेकों प्रकार से अर्थ घटाए जा सकते हैं लेकिन कुछ मोटा मोटी बात तो हमारी समझ में आ ही जानी चाहिए कि धर्म से संबंध यहाँ वर्णाश्रम धर्म के बारे में ही भगवान जो है वो चिंतित हैं। चिंतित अर्जुन भी था वर्णाश्रम के लिए। आप देखो जब अर्जुन विषाद योग में बैठा है तो उस समय अर्जुन क्या कहता है कि ये सारे लोग युद्ध में मारे जाएंगे तो स्त्रियां बचेंगी, स्त्रियां बचेंगी, पुरुष तो चले गए, अब कौन स्त्री को कौन राजा रखेगा, किसके साथ संबंध होगा, तो वर्ण संकर हो जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, छत्री ब्राह्मण के चली गई, ब्राह्मण छत्राणियों के ब्याही गई या रखी गई या कैसे भी पता नहीं क्या व्यवस्था हो जाएगी। और कई गुरुजन तो हमसे बड़े चाव से कहते ही हैं, कहते हैं देखो भाई अर्जुन जो कह रहा था उसका कुछ तो हुआ ही होगा ना असर, इतने लोग मर गए तो इतनी स्त्रियां रह गई होंगी तो पता नहीं आगे कैसे वंश और कैसी व्यवस्था बैठी होगी। तो वर्णाश्रम के लिए अर्जुन भी चिंतित था और वर्णाश्रम के लिए यहां पर भगवान भी कह रहे हैं कि अर्जुन ने क्योंकि क्या किया था पहले इसी अध्याय के पूर्व के श्लोक में शंका उत्पन्न की थी कि आप ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया और फिर मैं तुझे दे रहा हूं, उस प्रकार की शंकाएं जब उत्पन्न हुई थी तो भगवान क्रम से कहते चले आए थे कि तेरे कितने जन्म हो चुके, मेरे कितने जन्म हो चुके ये तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूं। तो फिर वो जन्म इत्यादि की जो बात चल पड़ी उसी क्रम में ही ये श्लोक आया यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्योंकि अब बात को पूरी कर रहे हैं भगवान की कि तू ऐसा मत समझ मैं अभी हूं, अरे जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं तो आता ही रहता हूं। और ईश्वर कभी जो ऐसे इन अवतारों के रूप में है तो कभी आचार्यों के अवतारों के रूप में आते तो रहते ही हैं। ऐसा कोई काल हमें तो लगता नहीं होगा कि जब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट ना रहते हों, रहते ही हैं, लेकिन कुछ का वर्णन विशेष रूप से हो जाता है और कुछ का वर्णन नहीं भी होता, क्योंकि हमेशा ही कुछ ना कुछ मार्गदर्शन के लिए किसी न किसी रूप में ईश्वर रहते ही हैं। तो धर्म का अर्थ यहां धर्माश्रम वर्णाश्रम का समझना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम का त्याग करके किया गया कार्य कोई भी काम का नहीं होगा। आज हम एक महात्मा जी को सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि भाई गृहस्त के लिए क्या साधना है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए इसका निर्णय तो गीता में ही हो गया है कि स्रोत कर्म या स्मार्थ कर्म करते हुए, श्रुति प्रतिपादिक वैदिक कर्म या स्मार्थ कर्म करते हुए आप लोग जो हैं उसके साथ साथ आप साधना करें वर्णाश्रम की मर्यादा में रहते हुए। आप ब्राह्मण हैं और आपका जो है संस्कार नहीं है कोई ब्राह्मण आचार्य से
आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो आपको इन चारों वर्णों में से किसी वर्णों में तो आप अपने को रखते होंगे, तो इन वर्णों के जो कर्म हैं उसके अनुसार आप कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। भगवान चिंतित हैं इस बात को लेकर, हमारी बात नहीं है, सारे आचार्य चिंतित हैं, सारी शांकरी संप्रदाय क्यों चिंतित है, क्यों आज जो है शंकराचार्य जो है पुरी के पीठाधीश्वर जगह जगह जा जाके उपनयन संस्कार करा रहे हैं, जगह जगह जाकर वर्णाश्रम धर्म की बात बोलते हैं। क्योंकि यदि ये वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था ठीक से बनी रहेगी तो ही भगवान जो है अवतार भी ठीक से ले पाएंगे। क्योंकि ये तो बात भगवान ने कह दी कि वर्णाश्रम धर्म का जब लोप होता है, ये नहीं कहा कि पूरी तरह से जब खत्म हो जाए, कुछ अंशों में तो रहता ही है ना, तो भगवान ऐसे थोड़ी ना कहीं भी किसी भी जगह आ जाएंगे। अब आगे कल्कि का अवतार होना है तो कल्कि का अवतार कोई ऐसी किसी ऐरी गहरी जगह पे हो जाएगा, तो भगवान ऐसा चाहते ही होंगे ना कि कुछ अंश में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था रहेगी तो ही तो भगवान आएंगे। तो वर्णाश्रम धर्म के प्रति भगवान चिंतित हैं, अर्जुन चिंतित है, भगवान चिंतित है, हमारे आचार्य चिंतित है। अब कोई व्यक्ति ग्रस्त में है और ग्रस्त का पालन करता नहीं है, और जब ग्रस्त नियमों का पालन करना हो तब सन्यासी बन जाता है, और जब सन्यास नियम का पालन करना हो तब गृहस्थी, कहीं मोक्ष नहीं मिलने वाला। ऐसे ही जो है ब्रह्मचारी का कार्य है अध्ययन करना, अध्यापन करना, अध्ययन में लीन रहना। उसमें भी यदि कोई ब्रह्मचारी ब्राह्मण कुल का है तो उसके लिए तो विशेष ही बात हो गई, ब्राह्मण वर्ण का है तो। क्षत्रिय के लिए और वैश्य के लिए भी है, लेकिन ब्राह्मण के लिए तो विशेष बात हो गई। लेकिन देखने में क्या आ रहा है, देखने में ये आ रहा है, हमारे पास कहीं विद्यार्थी पढ़ते हैं, कहीं आते हैं, मिलते हैं, तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण विद्या से जो है हटता जा रहा है, उसे दक्षिणा का लालच इतना पड़ गया, कर्मकांड में इतनी दक्षिणा मिलने लगी कि बस अब जो उसका वर्णाश्रम धर्म का वो था, उसने एक पक्ष पर ध्यान दिया, कहने लगा मैं तो आपके श्लोक को मान रहा हूं स्मृति के, क्या बोले यज्ञ कर रहा हूं, यज्ञ करवा रहा हूं, हवन कर रहा हूं, होम करा रहा हूं, तो बाकी की चीज भी देख ले कि दान लेना भी है, दान देना भी है, श्लोक में ये भी तो आया, और अध्ययनम अध्यापनम भी आया, अध्ययन करना भी है, अध्ययन करवाना भी है, इनका भी पालन कर रहा है क्या। ब्राह्मण का शरीर जो है वो तो तपस्या के लिए ही है, ब्राह्मण महात्मा हो और वो तपस्या ना करे ये संभव नहीं, और यदि नहीं करता तो गलत है। तो वर्ण आश्रम के जो नियम हमारे समझो बुजुर्गों ने सेट कर दिए, बुजुर्ग कौन है, हमारे गुरु, हमारे बुजुर्ग है ना, गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, और गुरु के गुरु परम गुरु, परम गुरु के गुरु, सबके गुरु भगवान, वंदे कृष्णम जगत गुरु। व्यवस्था हमारी कहां से चल रही है, नारायणम समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम, है कि नहीं, वंदे गुरु परंपराम, तो ये व्यवस्था वहां से चल रही है। तो वो व्यवस्था जहां से चली है वहां यही वर्णाश्रम धर्म की बड़ी चिंता है, तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है, ये धर्म की जब हानि होती है या कम हो जाता है। तो भलाई इसी में है कि हम जो जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उसकी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से उसका निर्वाह करे, और समय बचा के सत्संग करे, जो भी लिखे हुए हैं स्मृति के, जब निर्णय श्रुति से नहीं होता तो श्रुति की सहायक स्मृति होती है, निर्णय तो श्रुति कर देती है लेकिन समझ नहीं आती तो स्मृति बनी, पुराण से निर्णय लीजिए, लेकिन निर्णय हो जाना चाहिए, खुद से निर्णय नहीं हो रहा तो गुरुजनों से पूछना चाहिए
कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी, कई बार क्या होता है, कई भी लोग आध्यात्मिकता में अपने आप ही खुद से ही ऐसा प्रवेश कर देते हैं कि उनको मार्ग नहीं मिलता। गुरुजनों से ये बात स्पष्ट करा लेनी चाहिए कि हमारे वर्णाश्रम के हिसाब से, हमारे हिसाब से क्या करना अभी अनुकूल है, क्या हमें करना चाहिए, क्या अभी हमारे लिए संन्यास है, हमारे लिए ये कर्म है कि नहीं है। तो जिन्हें वर्णाश्रम का, श्रुति का, स्मृति का ठीक ठीक ज्ञान हो, शास्त्रज्ञ हो, क्षोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, और क्षोत्रिय जो होते हैं वो केवल ब्राह्मण शरीर का ही महात्मा हो सकता है, अन्य का नहीं हो सकता। ये बात स्पष्ट हुई है शास्त्र में, ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। और ब्रह्मनिष्ठ तो ब्रह्मणी निष्ठ है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ दूसरा भी अर्थ बनेगा इसका। तो वर्णाश्रम के लिए भगवान चिंतित हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अर्जुन मेरा जन्म जो है वो तू नहीं जानता है, मैं तो बहुत बार आता रहता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। यही भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, कुछ समझने जैसा है। ओ नारायण।